द ग्रेट इंडियन कपिल शो का दूसरा सीजन हाल ही में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुआ था, जिसका पहला एपिसोड 21 सितंबर 2024 को आया था। इस एपिसोड में बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी आलिया भट्ट और करण जौहर अपनी नई फिल्म जिगरा के प्रमोशन के लिए आए थे। हालांकि इस पहले एपिसोड को उम्मीद से कम व्यूज मिले हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या दर्शकों की दिलचस्पी इसमें कम हो गई है। कपिल शर्मा ने शो की शुरुआत एक मजेदार इंट्रोडक्शन से की, जिसमें उन्होंने देश की विविधताओं और खासियत पर चुटकी ली। उन्होंने अंबानी परिवार की भव्य शादियों का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी महंगी शादियों में लोग चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे थे। कपिल की एक कॉमेडी दर्शकों को हंसाने में सफल रही, लेकिन क्या ये काफी था? इस एपिसोड में आलिया भट्ट और करण जौहर ने अपनी फिल्म जिगरा के बारे में बात की। आलिया ने बताया कि कैसे रणबीर कपूर ने उनकी बेटी राहा के लिए मलयाली लोरी सीखी है। करण जौहर ने भी पेरेंटिंग के अनुभव साझा किए। इस बातचीत के दौरान सुनील ग्रोवर ने डफली के किरदार में एंट्री की, जहां उन्होंने अपने दिल टूटने की कहानी सुनाई। सुनील की कॉमेडी हमेशा की तरह शानदार थी, लेकिन क्या ये दर्शकों को लुभाने के लिए काफी थी? शो के पहले एपिसोड को मिले कम व्यूज संख्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ समीक्षकों का मानना है कि कपिल शर्मा का जादू अब पहले जैसा नहीं रहा है। पहले सीजन में नीतू कपूर, रणबीर कपूर जैसे मेहमानों ने शो को एक अलग ऊंचाई दी थी, जबकि इस बार आलिया और करण की उपस्थिति उनकी प्रभावशाली नहीं रही। इसके अलावा पिछले कुछ समय से OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई नए कॉमेडी शो आ चुके हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। सुनील ग्रोवर ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनकी मिमिक्री और कॉमिक टाइमिंग ने शो को एक नया आयाम दिया। कपिल और उनकी टीम के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे फन सेगमेंट्स पेश किए जो दर्शकों को हंसाने में सफल रहे। हालांकि क्या ये सब कुछ शोज को ज्यादा व्यूज दिलाने के लिए पर्याप्त था? द ग्रेट इंडियन कपिल शो का दूसरा सीजन भले ही शुरू हो चुका हो, लेकिन पहले एपिसोड के कम व्यूज संख्या ने संकेत दे दिए हैं कि दर्शकों की दिलचस्पी में बदलाव आ रहा है। कपिल शर्मा और उनकी टीम को अब अपने कंटेंट में कुछ नया लाने की जरूरत है, ताकि वो अपनी पुरानी लोकप्रियता को पुनः प्राप्त कर सकें। आलिया भट्ट और करण जौहर जैसे बड़े सितारों के बावजूद अगर शो दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा, तो ये निश्चित रूप से चिंता का एक विषय है। आगे देखना होगा कि क्या अगले एपिसोड्स में कपिल शर्मा अपने दर्शकों को फिर से लुभाने में सफल होते हैं या नहीं।